बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हजरात हैं वो कायनी चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप माई बाई कॉल से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे मार्केट की पहले बात करते हैं और कल की वीडियो में भी परसों की वीडियो में आपको ये बात कही थी कि हाई साइड पे जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी है और बॉटम का वेट करना है। उसकी बड़ी वजह आज जो मैं देखने में नज़र आई आप लोगों को कि मार्केट एट द एंड जो है सस्टेन नहीं कर सकी अपने पॉजिटिव मोमेंटम को और वहाँ से जो है मार्केट ने एक रिवर्स लिया और 74 पर नेगेटिव क्लोजिंग आई। हाँ, यहाँ पे एक और बात भी काबिल जिक्र है कि आइंदा चूंकि रोल ओवर वीक भी स्टार्ट होने वाला है और रोल ओवर वीक के हवाले से भी मार्केट के अंदर प्रेशर आ सकता है मार्केट में। पहले भी हमें विटनेस किया कि एट द एंड ऑफ द मंथ जो है हमेशा मार्केट के अंदर रेगुलर एक्टिविटी और प्रेशर जो है मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। लिहाजा हमने ग्रुप के अंदर सुबह मॉर्निंग कॉल दे दी थी कि आपने जो हाई साइड है प्रॉफिट बुक करें और वेट करें बॉटम का। उन शेयर में भी प्रॉफिट टेकिंग करें जो काफ़ी बढ़ चुके हैं या बॉटम पे हैं, उनमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बढ़ चुके हैं उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो वॉल्यूम भी आए थोड़े से कम नज़र आए बनिस्बत कल के, और मार्केट आके रुक गई थी 71,800 के पास आके मार्केट ने जो है वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाई और 71,359 लाइन पे क्लोजिंग आई है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें जो टॉप वॉल्यूम लीडर हैं उनके इलेक्ट्रिक है, PIBTL है, FCCL है, सिमी सेक्टर तो आज पूरा बुलिश रहा है, मेपल लीफ है, पागल इलेक्ट्रॉन, WTL एयर लिंक है और FFL है और PIGA और यूनिटी है। तो ये आपके सामने जो है वो टॉप जो एक्टिव स्टॉक थे आज के दिन के। अभी जिस स्टॉक की हम बात करेंगे और जिसके ऊपर जो है हम बाय कॉल भी देने जा रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। स्टॉक का नाम है जी PIOC, पायनियर सीमेंट लिमिटेड। अभी जो रिसेंटली इसने हाई लगाया 153 का रिसेंटली और वहाँ से जो है 145 पे क्लोजिंग आई है। अभी भी इसका बॉलिश मोमेंटम जो है मौजूद है और इसको जो है वो रिस्क लेना चाहता है इस लेवल के ऊपर तो वो रिस्क ले सकता है। उसकी जो बड़ी वजह ये है जो सुनने में आ रहा है मार्केट के अंदर न्यूज़ गर्दिश कर रही है इस हवाले से कि इसके अंदर जो है कोई बड़ा प्लेयर जो है वो इन हुआ है और आपने देखा है कि रिसेंटली कल जो है ये काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो अभी इसकी जो है बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस होने वाली है, उसमें भी जो है ये इसके अंदर पब्लिक जो है इन होगी तो बेहतर है कि आप पहले ही इन लेवल के ऊपर जो है आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे जो है हम आपको बताएंगे टेक्निकल चार्ट पे कहाँ पे इसको एग्जैक्ट बाय करना चाहिए, कहाँ पे जो है इसको सेल करना चाहिए। ये आपके सामने जो है पाइनर सीमेंट का चार्ट है और इसके अंदर अगर आप देखें जो आज की क्लोजिंग इसके आई है 145 के करीब क्लोजिंग आई है, 145 से अबव जब तक रहेगा इस रेंज के अंदर तो आप इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। इसकी रिजल्ट अगर आपको ये नीचे मिलता है 141 140 का आपने इन लेवल का वेट करना है और इसके अंदर जो है एक सडनली जो है इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी, जिसका वेट करना है 141 140 का लेवल बनता है इनिशियल। डायरी का चार्ट के मुताबिक वहाँ पे आप इसकी अगर 25% या 30% आप इसके अंदर इनिशियल बाइंग कर सकते हैं। हाँ, उसका अगर ये नीचे मिलता है और क्वेश्चन के अंदर इस तरह मार्केट के अंदर रोल ओवर वीक स्टार्ट होने वाला है और उस हवाले से मार्केट प्रेशर मिलता है और आपको ये नीचे मिलता है तो 134 और 133 का लेवल है इसका बड़ा बेहतरीन लेवल होगा। यहाँ पे इसकी आप बाइंग भी करेंगे तो आपकी एवरेज भी अच्छी बन जाएगी और इसको फिर इन लेवल से जो है सेल करना कोई बड़ा मसला नहीं है इन लेवल के ऊपर। हाँ, इसके साथ अगर आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखें बिल्कुल ट्रेंड लाइन के साथ साथ जो है ये 125 के करीब इसकी सपोर्ट लाइन बनती है, जबकि अगर यहाँ तक अगर ये आ जाता है लेवल के ऊपर और लेवल सस्टेन नहीं कर पाता तो 125 का लेवल है जिसके सामने बड़ी बड़ी सपोर्ट लाइन है और जो स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस 130 स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हैं। और जब आप इन लेवल बाय करेंगे तो टारगेट आपको इनिशियल 150 और 152 जो था यूसरली हाई लगाया वहाँ पे आपने लाजमी जो है एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट बुक करने। अगर 150 को मेंटेन नहीं करता तो फिर आपके रिमेनिंग भी 149 और 148 जहाँ पे आपको मिलता है वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। और इसका मजीद जो बुलिश मोमेंटम है इसको कायम रखने के लिए 150 का जो लेवल है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
अगर इससे मजीद जो है अपसाइड मूवमेंट दिखानी है, अदरवाइज ये आपको एनी लेवल के ऊपर 141, 140 या 134 के लेवल पे आके आपको जो ट्रेडिंग करवाता रहेगा, ट्रेडिंग करते रहने शेयर करें। जैसे इसके अंदर बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी अच्छे रिजल्ट आने की सूरत में, ये 150 ब्रेक करते हुए ये जो है मजीद अपसाइड जो है वो जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक को बाय करने के लिए जो है हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है हमारे प्रीमियम सर्विसेज भी हैं जो एक चीपली कॉस्ट के ऊपर हैं, इजीली अफोर्डेबल है, वो भी आप जो है उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको जो है मार्केट के हवाले से न्यूज़ शेयर के हवाले से न्यूज़ टेक्निकल चार्ट वो भी है, हम आपके साथ वो शेयर करते रहते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। और इससे पहले भी अगर आप देखें हमारी जो भी वीडियो मौजूद है यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, उनके अंदर हम देखें, हमने आपको रिसेंटली जो है वेव्स की बाय कॉल दी थी, ट्वीट की बाय कॉल दी थी, कि आपने एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा। तो जो भी ट्रेंडिंग शेयर होता है जिसके अंदर जो है आप कुछ कमा सकते हैं, तो उनकी बाय कॉल हम आपको देते हैं। आपने तमाम बाय कॉल 18 की, 22 की जो दो बाय कॉल हैं, उसके साथ साथ जो है ये 16 अप्रैल की हैं, तमाम जो है बाय कॉल आप चेक कर सकते हैं। और किस तरह जो है ट्रेंडिंग जो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर जो है एक बुलिश मोमेंटम कायम हुआ होता है, या जिसकी न्यूज़ चल रही होती है, तो उसी मार्केट के अंदर आप काम करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं कि आप मार्केट से जो है वो 4 पैसे कमा ना सकें। तो लिहाजा इस तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, हमारे हमें फॉलो करें, और इसके साथ हमें सपोर्ट भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।